हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर वेल। अभी देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग के 5 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ और किचन में आ चुकी हूँ एज यूजुअल। देखिए तो यहाँ पर देखिए, जो रात को आटा लेकर आए थे ना, बहुत गर्म था। मैंने रात को ना ड्रम में नहीं डाला, ड्रम भी थोड़ा सा मुझे ना सिला सिला लग रहा था, इसलिए अभी सूख चुका अच्छे से। अभी आटा इसमें डाल दूँगी और जो मैंने रोटियाँ बनानी उसके लिए आटा भी बनने वाला अभी मेरा आज, तो मैं आटा उसके लिए ना यहाँ पर निकाल कर रख लेती हूँ। तो ड्रम को पहले ना बीच में रख दूँगी उसकी मेरा में, इसका ढक्कन लेकर नहीं बाहर गई थी, ले आई हूँ। तो देखिए इसको ना पहले देखा तो काफ़ी आटा था इसके बीच में, तो इसको पहले मैं क्लीन कर लेती हूँ। इसका जो भी नीचे गिरी जाता है ना, कितना भी हम संभाल कर यूज़ करें, फिर भी कहीं ना कहीं से आटा कुछ ना कुछ गिरी जाता है इसमें। तो देखिए सब आटा निकाल दिया और एक कपड़े से अच्छे से मैंने इसको ना क्लीन कर दिया है। अब आटे का ड्रम है ना जो इसके बीच में रख दूँगी आप देखिए, तो और जो आटा मैंने निकाला है ना, इसको आटे को बना लेती हूँ, हाफ बना कर रख लूँगी, हाफ थोड़ी देर बाद बना लूँगी, इतनी देर में बाकी काम कर लूँगी। एक साथ ना मेरे से आटा नहीं बनता क्योंकि मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। मैंने आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ना, आप कहोगे रोज़ एक ही बात बताती रहती है, क्योंकि मेरे RA फैक्टर पॉजिटिव होने के कारण सुबह सुबह हाथों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। तो यहाँ पर देखिए बेटा भी उठकर आ चुका है और गुड मॉर्निंग विश करके गया है मुझे। मैं उसके लिए ना एप्पल कट कर रही हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि फ्रूट टिफ़न भी होता है उनका। इसको उतनी देर में फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है ना, तो उतनी देर फ्रिज में रहेगा, जब जाना होगा ना तब मैं इसको निकाल दूँगी। अपने लिए पानी गर्म करने लगी थी, उससे पहले मैंने सोचा एक बार गैस अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि रात को भी करती हूँ लेकिन मॉर्निंग में ज़रूर जब भी यूज़ करती हूँ ना मॉर्निंग में, तो एक बार साफ़ करके ही यूज़ करती हूँ। पानी गर्म रख दिया है अपने लिए। अभी तक देखिए मैंने पानी नहीं पिया, किचन के कितने काम कर लिए हैं, भागा थोड़ी में सब भूल ही जाते हैं ना सुबह के। सुबह की बहुत ड्यूटीज़ होती है ना, हम हाउसवाइफ की ना मॉर्निंग की बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं, ख़त्म ही नहीं होती। एक काम करने जाओ ना, एक दो और निकल आते हैं साथ में। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने पानी अपना गर्म डाल लिया है और चाय के लिए मैंने पानी रख दिया है, और यहाँ पर रोटियाँ बनाने के लिए सब मैंने कपड़ा बिछा कर सब यहाँ पर रख दूँगी और उतनी देर में पानी पी कर आती हूँ। तवा लगा दिया है मैंने, गैस चला दी है, पानी पी आई हूँ। तब देखिए यहाँ पर आ चुकी हैं। जो मैंने पनीर की सब्ज़ी कल बनाई थी ना, तो रात को किसी ने खाना नहीं खाया। रात को क्या था, सहज को कुछ नहीं खाना था, सहज ने ना एप्पल खा लिए, तो कहता मुझे एप्पल ही खानी है और उसको ना साथ में थोड़ी देर बाद उसे पीनी थी कोल्ड कॉफ़ी। उसने कोल्ड कॉफ़ी पी ली, कहता मुझे नहीं खाना। ट्यूशन के आने से बाद ना उसने और कुछ नहीं खाया, और हस्बैंड मेरे भी कहते हैं मुझे भी फ्रूट ही खाना, सब ने ना रात को हमने फ्रूट ही खाया है। तभी देखिए रात सब्जी बची हुई है, आज वही टिफ़िन में जाएगी बेटे की, और हस्बैंड दोनों ही लेकर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आटे को मैंने अच्छे से दोबारा से कर लिया है, सेट कर लिया है। अब जल्दी से सबके लिए परौंठियाँ बना देती हूँ, पहले बेटे का टिफ़िन बनाऊंगी, क्योंकि बेटे का टिफ़िन बनाने के बाद जाकर ना उसे कुछ खाने के लिए भी दे देती हूँ। ज़बरदस्ती इस टाइम बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है मॉर्निंग टाइम ना, बच्चे हमेशा ना नुकरी करते रहते हैं, हमें नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। मैं ज़बरदस्ती इस टाइम ना उसे कुछ ना कुछ खिलाऊँगी। तो यहाँ पहले उसके लिए देखिए उसका लंच बॉक्स पैक कर लेती हूँ, हस्बैंड का बाद में करूँगी, पहले बेटे को भेजना है। 20 मिनट पहले बेटा जाता है, 20 मिनट बाद हस्बैंड जाते हैं। मॉर्निंग टाइम तो बहुत ज़्यादा ना बिज़ी होता है, बहुत ना हार्ड ड्यूटी होती है। यहाँ पर देखिए मैं बेटे के लिए बना रही हूँ, हस्बैंड भी नहा धोकर आ चुके हैं और यहाँ पर देखने आए हैं, कहते हैं यही सब्ज़ी डालो मेरे लिए भी। मैंने तो सोचा था कि और की सब्ज़ी बना देती हूँ, सूखे आलू ना जीरे वाले, कहते नहीं यही लेकर जानी है, ज़्यादा अच्छी है, टेस्टी है। तो चलो ठीक है, वैसे भी हम मौसम चेंज हो चुका है ना, अब तब हम लेकर जा सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है कि रात की सब्ज़ी सुबह लंच बॉक्स में नहीं जाती, अब चली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से परौंठियाँ बना लेती हूँ। अब पैक हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं उसके लिए ब्रेड जैम बना रही हूँ, उसे बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैं उसका ना फेवरेट बना रही हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो खाकर जाएगा ना। इतना अर्ली जाना होता है और भूखे पेट चला जाए बच्चा, तो फिर बहुत टेंशन सी रहती है, मन उदास सा रहता है कि आज बच्चे ने कुछ भी नहीं खा कर गया। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड खड़े थे, तो मैंने उनको दे दिया कि सहज को दे दें, और यहाँ पर चाय भी बन चुकी, मैं थोड़ी सी उसे चाय और दूध ना डाल कर दे रही हूँ। आजकल ना सहज को ना शौक चढ़ा हुआ है चाय पीने का, उसे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा ना उसमें दूध ऐड कर देती हूँ ना, ज़्यादा चाय
बच्चे को देनी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं होती। ध्यान देखिए टिफ़िन पैक हो चुकी है, सहज को मैं रेडी करके ना भेज चुकी है, वापस आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो फिर से किचन में, क्योंकि हस्बैंड का अभी टिफ़िन बनने वाला है आज, क्या करती हूँ, नहीं तो मैं पहले सभी के ना मॉर्निंग में ही टिफ़िन बना देती हूँ, लेकिन आज मैं 5 बजे उठी ना, इसके कारण थोड़ा सा लेट हो गई। मैं 4:30 पर 4 बजे उठ जाती हूँ, आज थोड़ा सा लेट थे, चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। लेकिन इसलिए थी क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनानी थी मुझे आज, सब्ज़ी थी टिफ़िन के लिए, सबके लिए। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड को नाश्ता दे रही हूँ खाने के लिए, चाय उनके साथ और सब्ज़ी के साथ परांठी ले रहे हो। तो यहाँ पर मैं उतनी देर बाकी उनका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। और मेरी बैक में ना इतनी ज़्यादा पेन होने लगी ना, सुबह से जब भागा दौड़ी में हम काम करते हैं ना, बहुत काम हो जाता है। बेटे को भी मैंने उसका हेयर बना के पड़का लगा कर बाहर वैन तक छोड़ कर आई उसको। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड के भी बन चुके हैं, टिफ़िन का पैक कर देते हैं। तो अब बाकी सब जो किचन है ना, मैं यहाँ पर सब समेट दूँगी, समेट देती हूँ, फिर अपनी सब जो बर्तन है सब मैंने जो साफ़ है उनको बीच में लगा दिया है, और जो दूध है उसको निकाल कर रख दिया है यहाँ पर। अपने लिए चाय गर्म रख दी है, चाय ठंडी हो चुकी है मेरी, तो इस मैंने क्या दोबारा से गर्म कर लेती हूँ। तो सब बर्तन बाहर में रख दूँगी सिंक में, और इस कपड़े को वॉश कर बाहर डाल दूँगी। की चाय पीने के बाद फ्रेंड्स, किचन समेटने के बाद आपसे अब मिल रही हूँ वीडियो में, क्योंकि वीडियो बनाई नहीं मैंने, कि बेडरूम सड़ा सेट करने लगी। उसके बाद मैंने नहा धोकर पाठ पूजा किया और मार्केट चले गई, सब्जियाँ लेकर आई हूँ। अब आकर मैं यहाँ पर ना जो कल से निकाल कर रखी है ना मैंने वाटर बॉटल, उन सबको वॉश कर रही हूँ, इनको बाहर रख दूँगी उल्टा लटका कर। कल से ना मैंने वॉश ही नहीं कर पाई, क्योंकि एक दिन अगर काम अटक जाए ना तो फिर अटक ही जाता है, मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। अभी उसी टाइम कर लूँ ना जब कुछ करना हो जाता है, अगर छोड़ दो ना चलो बाद में करती हूँ, तो बाद में ऐसे ही अटक जाता है। कल से निकाल कर रखी हुई थी, तब जो देखिए मैंने सब वॉश कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने किचन सब साफ कर दिया और सब्जियाँ सब धोकर रख दी है, और किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। नीचे से बहुत गंदी हो जाती है इसकी अलमेरा, क्योंकि वाइट किचन है तो बहुत जल्दी गंदा होता है फ्रेंड्स। तो इनको सबको अब मैं क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने सब साफ कर दिया है किचन ने एक बार मॉर्निंग का। अभी मुझे लंच प्रिपेयर करना है, फिर से दोबारा से होगा कि जितनी बार काम करो उतनी बार हमें किचन क्लीन करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने वेजिटेबल सब धोकर रख दी और सब यहाँ पर कप मेरे सब। अभी देखिए फ्रेंड्स मॉर्निंग में मैं लंच की तैयारी करके रख लूँगी। यहाँ पर देखिए टमाटर की मैंने ना ग्रेवी बना ली अच्छे से, और इसका तड़का बना रही हूँ। इसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं डालूँगी और लहसुन भी नहीं डालूँगी, अदरक और टमाटर से ही बनाने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए मटर मशरूम बनाने वाली हूँ आज, तो मटर जो है मैं फ्रोजन यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अभी देखिए फ्रेंड्स मैं ना एक आलू भी डाल दिया इसमें मटर में, और साथ में यहाँ पर मशरूम कट करके वो डालूँगी, लेकिन थोड़ा सा बन जाए फिर मैं मशरूम ऐड करूँगी इसमें। अभी थोड़ी देर बनने देती हूँ, इसको ढक कर रख देती हूँ बनने के लिए, थोड़ा सा कम फ्लेवर कर दूँगी। अब यहाँ से शिल्की वगैरह उठा देती हूँ, साथ ही साथ उठा देना ठीक रहती है मैशरूम वगैरह। मैंने ना यहाँ पर जीरा निकाला था, उसका पैकेट खाली हुआ है, और इसके ऊपर मैं सब डालकर बाहर ना डस्टबिन में फेंक देती हूँ इसको, तभी सब्जी बनने देते हैं। मिलते हैं अभी सब्ज़ी बनने के लिए फ्रेंड्स किचन में रखती है। अब आ चुकी हूँ यहाँ पर बेडरूम में, यहाँ पर देखिए कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। बेडशीट है ज़्यादा तो मेरी, 2-3 दिन से मैंने वॉश की थी, सूखी नहीं रही थी, को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो गया था इसके कारण। तो आज मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ी सी ना ढीली ढीली है। तो देखिए मेरी ना हालत भी इतनी अच्छे से मैं रेडी भी नहीं हुई अभी तक, कैमरे के सामने भी नहीं आई पाई। तो यहाँ पर देखिए बेडशीट मैं ना यहाँ फोल्ड कर देती हूँ, 2 दिन के बाद कपड़े सूखे हैं मेरे, तो क्योंकि रोज़ चेंज करनी पड़ती है बेडशीट, क्योंकि रेता बहुत है घर पर, आपको पता ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो अब मैं सब कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अभी देखिए मैं कैमरे के सामने आई हूँ, सुबह से तो भागा दौड़ी, इतने काम होते हैं हमारे हाउस वाइफ के ना, ड्यूटीज़ बहुत होती हैं जो बहुत हमें क्या निभानी पड़ती हैं, अगर ना निभाएं ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, तो यहाँ पर देखिए मैंने कपड़े सब फोल्ड कर दिए और बेडरूम बिल्कुल क्लीन है। अभी देखिए फ्रेंड्स मैं फ्री हो चुकी हूँ, तो इस व्लॉग का फ्रेंड्स यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन बताना वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स ओके, टिल देन एंड बाय बाय।